वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस चैनल। आज इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चैप्टर पर आज की ये वीडियो है और इस चैप्टर का नाम है गुरु द्रोणाचार्य। ये चैप्टर 4 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। चलिए इसको शुरू करते हैं। स्टूडेंट, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, वे डिड नॉट हैव स्कूल्स, हमारे पास स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, एज़ वी हैव टूडे, जैसा कि आज होते हैं। इंस्टेड देयर वर गुरुकुल्स, इनके स्थान पर पहले गुरुकुल हुआ करते थे। बॉयज़, और जो लड़के होते थे, वर सेंट टू गुरुकुल्स टू स्टडी, उनको गुरुकुल भेजा जाता था स्टडी करने के लिए। दे हैड टू लिव विद देयर टीचर इन एन आश्रम, और उन लड़कों को रहना पड़ता था अपने टीचर के साथ आश्रम में ही। द टीचर वर कॉल्ड गुरुज, जो टीचर्स होते थे उनको गुरु कहा जाता था। द बॉयज इन एन आश्रम यूज टू शेयर ऑल द वर्क, और आश्रम में जो भी बच्चे होते थे उन्हें सारे काम करने होते थे मिल बांट करके। द गुरु टॉट दैम मैथ्स, और जो शिक्षक होते थे वो उन्हें मैथ्स सिखाते थे, ग्रामर सिखाते थे, एंड द होली बुक्स, और जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनको सिखाते थे। दे वर ऑल्सो टॉट हॉर्स राइडिंग, उनको सिखाया जाता था हॉर्स राइडिंग एंड द यूज़ ऑफ बोज एंड एरोज, धनुष और कमान का जो यूज़ होता है वो भी उनको सिखाया जाता था। अब यहाँ पर स्टोरी है, उसको पढ़ते हैं। किंग पांडु वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर, राजा पांडु हस्तिनापुर के राजा थे। ही हैड 5 सन्स, उनके 5 बेटे थे। ही सेंट हिज सन्स टू गुरुकुल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य, अब उन्होंने अपने 5 बेटों को गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेजा। द प्रिंसेस, जो भी राजकुमार थे, लिव्ड विद द गुरु इन हिज आश्रम, वो आश्रम में अपने गुरु के साथ रहते थे। द्रोणाचार्य वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द 5 प्रिंसेस, द्रोणाचार्य को वो 5 ही राजकुमार बहुत पसंद थे। ऑल द 5 प्रिंसेस, और जो वो 5 राजकुमार थे, वर इंटेलिजेंट एंड अटेंटिव, वो बड़े ही होशियार और बहुत ही सावधानी से अटेंटिवली अपनी बातों को, गुरुजी की बातों को सुना करते थे। दे यूज टू लर्न वॉट एवर ही टॉट देम, और वो सीखा करते थे जो भी उनको सिखाते थे उनके गुरु। दे वर ब्रेव एंड एक्टिव, वो बड़े ही बहादुर भी थे और एक्टिव भी थे। द्रोणाचार्य टॉट देम मैनी थिंग्स, द्रोणाचार्य ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ही टॉट देम, द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाया आर्चरी, धनुष विद्या, एज वेल एज टू फाइट विद स्पीयर्स, और साथ ही के भालों से कैसे लड़ा जाता है, स्वॉर्ड से कैसे लड़ा जाता है, एंड क्लब्स से कैसे लड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सिखाई। द प्रिंसेस लव्ड एंड रेस्पेक्टेड दियर गुरु, जो राजकुमार थे वो भी अपने गुरु से प्यार और उनको सम्मान दिया करते थे। वन डे, एक दिन, द्रोणाचार्य टुक द प्रिंसेस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को जंगल के दूसरे भाग में ले गए। ही वॉन्टेड टू गिव दैम अ लेसन इन आर्चरी, वो उन्हें धनुष विद्या में एक लेसन देना चाहते थे। ही शोड द प्रिंसेस अ क्ले बर्ड, उन्होंने राजकुमारों को एक क्ले बर्ड दिखाई दैट ही हैड पुट ऑन अ ट्री, जो उन्होंने पेड़ पर पहले ही रखी हुई थी। ही पॉइंटेड टू द बर्ड एंड सेड, उन्होंने बर्ड की ओर इशारा किया और कहा, आई वॉन्ट यू टू पिर्स द आइज ऑफ दिस बर्ड, मैं चाहता हूँ कि आप इस चिड़िया की आँख को बीन दो, निशाना लगाओ। ऑल द 5 पुल्ड आउट दियर एरोज, 5 ने अपने तीर को निकाल लिया। दे हेल्ड द एरोज इन दियर हैंड्स, और तीर उन्होंने अपने हाथों में ले लिए। द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर द एल्डेस्ट प्रिंस, द्रोणाचार्य ने तब युधिष्ठिर से पूछा, जो कि बड़े राजकुमार थे, टेल मी व्हाट डू यू सी, कि बताओ मुझे तुम्हें क्या दिखता है। आई सी द फॉरेस्ट, मुझे फॉरेस्ट दिखता है, ट्री दिखता है, एंड द स्काई, आसमान दिखता है, सेड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा। व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिखता है, द्रोणाचार्य आस्क द सेकंड प्रिंस, द्रोणाचार्य ने तब दूसरे राजकुमार से पूछा। आई सी द स्ट्रीम, सेड भीम, भीम ने कहा, मुझे तो स्ट्रीम दिखती है, जो धारा है, नदी है, वो दिखती है। आई कैन सी द सन एंड द क्लाउड्स, सेड द यंगेस्ट प्रिंस, और सबसे छोटे राजकुमार ने कहा कि मुझे तो बादल और सूरज दिखाई पड़ रहा है। बट अर्जुन द थर्ड प्रिंस, लेकिन अर्जुन जो कि तीसरे नंबर के राजकुमार थे, वॉज क्वाइट, वो बिल्कुल शांत थे। व्हाट डू यू सी अर्जुन, आस्क गुरु, गुरु ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है, तो अर्जुन फोल्डेड हिज हैंड्स, अर्जुन ने हाथ जोड़े एंड सेड, और कहा,
यू हैव आस्क मी टू पेस द वर्ड साई कि गुरुजी आपने मुझे तो चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा है. राइट नाउ आई कैन सी नथिंग बट द आई ऑफ द वर्ड. तो इस वक्त मुझे और कुछ तो नहीं लेकिन चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है. द आचार्य वॉज हैप्पी. आचार्य खुश हुए. ही ब्लेस्ड अर्जुन. उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया. सेइंग ये कहते हुए अर्जुन वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर बिकॉज यू पुट योर हार्ट इन द वर्क यू डू. तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि अर्जुन एक दिन तुम हस्तिनापुर के सबसे बड़े और महान आर्चर बनोगे धनुर्धर बनोगे क्योंकि तुम अपना दिल भी उस काम में लगाते हो जो तुमसे कहा जाता है. एंड द्रोणाचार्यज वर्ड्स केम ट्रू. और द्रोणाचार्य के ये जो शब्द थे ये बिल्कुल सच शब्द साबित हुए. When अर्जुन grew up, nobody could match him in archery. जब अर्जुन बड़े हुए तो कोई भी उनका मुकाबला धनुर्विद्या में नहीं कर सकता था. स्टूडेंट के स्टोरी आपको पसंद आई ही होगी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना ना भूलना. थैंक यू गाइज. थैंक यू.